प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस रोजरी माला बिंदी में। शांति का राजा चैनल की टीम की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल हम सबके लिए खुशी का, प्रेम का, भाईचारे का, शांति का साल बने। आज हम मां मरियम के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हम सब एक साथ मिलकर रोजरी माला विनती बोलेंगे। जब हम रोजरी माला विनती बोलते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम मां मरियम से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जब हम रोजरी माला विनती बोलते हैं तो हमारे साथ में मां मरियम भी खड़ी रहती है, और मां मरियम और हम सब एक साथ मिलकर उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम जब भेद बोलते हैं, उन भेदों पर हम वचन को मनन चिंतन करते हैं, प्रभु के जीवन पर मनन चिंतन करते हैं, प्रभु के वचन को समझने की कोशिश करते हैं। उसमें मां मरियम हमारी सहायता करती है, क्योंकि मां मरियम प्रभु यीशु के साथ में रही है। मां मरियम ने करीब से प्रभु को जाना है, इसलिए मां मरियम चाहती है कि हम सब मिलकर मां के साथ उस प्रभु के निकट आए, उस प्रभु के पास जाएं जहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, सब कुछ की रचना हुई है। इसलिए आप सभी आज पूरे विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ इस रोजरी माला विनती में भाग लें। आज हम अकेले नहीं हैं, आज हमारे साथ में मां मरियम, सभी स्वर्गदूत, सभी संत, सब लोग हमारे साथ में हैं। हम सब मिलकर इस रोजरी माला विनती को बोलेंगे। विश्वास करना मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ईश्वर हम सबकी हर एक जरूरत को, हर एक प्रार्थना को, हर एक निवेदन को प्रभु सुनने वाला है। प्रभु उसे सुन चुका है, इसलिए पूरे विश्वास के साथ इसमें भाग लेना। हम सर्वप्रथम एक गीत के द्वारा मां मरियम के प्रति अपना प्रेम प्रकट करेंगे, क्योंकि मां मरियम हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करती है। मां मरियम हम सबसे प्रेम करती है, वह हमारी माता है। ये अधिकार स्वयं ईश्वर ने हमें दिया है। कलवरी क्रूस पर प्राण देने से पहले प्रभु ने अपने शिष्य को कहा, ये तुम्हारी माता है, और माता को कहा, ये तुम्हारा बेटा है। तब से हम सब मां मरियम की संतान है, मां मरियम के बेटा और बेटी है, और वह हमारी मां है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जब मां मरियम का आदर करते हैं तो वह आदर ईश्वर को प्रसन्न करता है, ईश्वर को प्रिय लगता है। इसलिए आप पूरी भक्ति के साथ इस गीत को गाएं। गीत का नाम है आंचल है तुम्हारा मां। आइए हम इस गीत को शुरू करें। Hare
का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ, आमीन। प्रभु की विनती। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। आनंद के पांच भेद। पहला भेद, गैब्रियल दूत मरियम को संदेश देता है। संत लूकस अध्याय 1 वाक्यांश 26 से 38 में लिखा हुआ है। आइए हम इस भेद में समस्त संसार के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। इस नए साल के लिए, इस साल प्रभु की जो भी इच्छा है उन इच्छाओं के लिए हम धन्यवाद दें, उन इच्छाओं को अपने जीवन में स्वीकार करें, उसके लिए धन्यवाद दें। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, पहला तेसलेनिकियों अध्याय 5 वाक्यांश 16 से 18,
आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम इस नए साल को प्रसन्नता के साथ में जिए। हर समय हम प्रसन्न रहे, निराश नहीं हो, दुखी नहीं हो, हताश नहीं हो। जब भी परेशानियां आए, दुख तकलीफ आए, हमें निरंतर प्रार्थना करनी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे दुख जो है, परेशानियां हैं, वह सब बदल जाता है। जो दुख है वह सुख में बदल जाता है, जो निराशा है वह आशा में बदल जाती है, जो अशांति है वह शांति में बदल जाता है। इसलिए ईश्वर चाहता है कि हम लोग हर समय प्रसन्न रहें। इसलिए जितने भी लोग हैं वह सब प्रसन्न रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सभी आत्माओं को स्वर्ग में ले चलिए, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की अति आवश्यकता है। आमीन। आनंद का दूसरा भेद, मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है। संत लूकस अध्याय 1 वाक्यांश 39-45। आइए हम इस भेद में, जितने लोग बीमार हैं, आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर पर है, कैंसर से पीड़ित है, जितने भी बीमारी से पीड़ित है, उन सब को हम प्रभु के पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, निर्गमन अध्याय 15 वाक्यांश 26, मैं वह प्रभु हूँ
जो तुम्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करना, जितने भी लोगों ने आपसे प्रार्थना मांगी है, या आपके परिवार में कोई बीमार है, या आपकी कलीसिया में कोई बीमार है, आपने किसी को बीमार हालत में देखा है, आप उन सबको इस वचन के द्वारा प्रभु को समर्पित करें और इस वचन को इसी वक्त उन सब के जीवन में भेज दीजिए, उन सब के लिए भेज दीजिए। इसी वक्त प्रभु का वचन जाकर उनको स्पर्श करे और उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करे। प्रभु का वचन प्रभु के मुख से निकलकर प्रभु का उद्देश्य पूरा करे बिना प्रभु के पास में नहीं लौटता है। इसलिए आप जिनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं वह अवश्य ठीक हो चुके हैं, ये विश्वास करना। प्रभु का वचन इसी वक्त उनको स्पर्श कर रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सभी आत्माओं को स्वर्ग में ले चलिए, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की अति आवश्यकता है। आमीन। आनंद का तीसरा भेद, प्रभु यीशु का जन्म। संत लूकस अध्याय 2 वाक्यांश 1-7। आइए हम इस भेद में समस्त परिवारों को मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु को समर्पित करें। प्रभु का पवित्र वचन कहता है एफेसियों अध्याय 5 वाक्यांश 20, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को
धन्यवाद देते रहें। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने परिवार के लिए, परिवार के हर एक सदस्यों के लिए, हमारे माता पिताओं के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हम कलीसिया के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। समस्त प्रचारकों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हमारे पुरोहितगण, धर्म संगी बहन, हमारे सभी भाई बहनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हमारे आस पड़ोसियों के लिए, हमारे सगे संबंधियों के लिए, हमारे राज्य के लिए, देश के लिए, समस्त संसार के लिए, हर एक चीज के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और हर एक चीज को प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित करें। आज से हमने प्रभु का अधिकार उन सब पर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सभी आत्माओं को स्वर्ग में ले चलिए, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की अति आवश्यकता है, आमीन। आनंद का चौथा भेद, बालक यीशु को मंदिर में चढ़ाया जाता है। संत लूकस अध्याय 2 वाक्यांश 22 से 35। आइए इस भेद में हम सभी युवाओं को प्रभु के पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। हर एक युवक युवतियों को पवित्र आत्मा के वरदानों से भरने के लिए हम प्रार्थना करें। उनके आश्रम में भविष्य के लिए हम प्रार्थना करें। उनके आध्यात्मिक और आत्मिक जीवन के लिए हम प्रार्थना करें। पवित्र भरा जीवन जीने के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, योशुआ 3:5, पवित्र बनो जिससे ईश्वर कल तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार दिखाएगा।
हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम संपूर्ण रूप से हर एक युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें, उन सबको उनके जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में समर्पित करें, ताकि प्रभु की जो भी इच्छा है, प्रभु की जो भी योजना प्रभु के हृदय में है, उन सब के लिए वह योजना उनके जीवन में पूरी हो जाए। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सभी आत्माओं को स्वर्ग में ले चलिए, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की अति आवश्यकता है। आमीन। आनंद का पांचवा भेद, बालक यीशु मंदिर में पाए जाते हैं। संत लूकस अध्याय 2 वाक्यांश 41 से गुण 50। आइए हम इस भेद में शांति का राजा चैनल से जुड़े हुए सभी परिवारों को, परिवार के प्रत्येक सदस्यों को, उनकी जरूरतों को, उनके मनोरथ एवं निवेदनों को हम प्रभु के पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं मां मरियम की मध्यस्थ द्वारा। ये सब बड़ी आशा के साथ, एक विश्वास के साथ इस चैनल से जुड़े हुए हैं। हे मां मरियम, आप इन सब के लिए निरंतर प्रार्थना करना। हम आपकी मध्यस्थ द्वारा क्यों प्रार्थना करते हैं मैं आज बताना चाहता हूं। काना नगर में विवाह में उस परिवार में एक परेशानी आई, एक दुख आया, वहां पर अंगूरी समाप्त हो गई। हे मां, आपसे वह देखा नहीं गया। आपको मालूम था, अगर लोगों को मालूम चलेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, उस परिवार का अपमान करेंगे, बदनामी होगी। आपसे उनका दुख देखा नहीं गया, इसलिए आप तुरंत उस निवेदन को, उस प्रार्थना को लेकर अपने ईश्वर के पास में गई।
वह उस वक्त आपके पुत्र नहीं। आपने ईश्वर के समक्ष अपनी प्रार्थना को, अपने निवेदन को रखा और आपने प्रभु को जैसे कहा प्रभु ने वैसे किया। आपने सेवकों से जाके कहा जैसा वह कहे वैसा करना। प्रभु ने जाकर सेवकों से कहा पानी के 6 मटकों को मुंह तक भर दे, लबालब भर दे ऊपर तक, और उन्होंने उस आज्ञा का पालन किया और हम देखते हैं वहां पर पानी अंगूरे में बदल जाता है, क्योंकि पानी भी प्रभु की बात सुनता है, प्रभु का कहना मानता है। इसलिए आज हम हर एक निवेदनों को, हर एक मनोरथों को, हर एक जरूरतों को मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु को समर्पित करते हैं। हम मां से प्रार्थना नहीं करते, मां के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं और मां की प्रार्थना अवश्य प्रभु पूरी करता है। हमने ये काना नगर के विवाह में ये प्रभु ने पहला चमत्कार दिखाया। उस परिवार में, उस नगर में प्रभु ने अपनी महिमा प्रकट की है। वह महिमा आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु प्रकट करने वाला है, प्रकट करने जा रहा है। ये विश्वास करना मेरे प्यारे भाई और बहनों, मां मरियम सदैव हमारे साथ है। वह हमारे साथ निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करती है, हमारे परिवार की उन्नति के लिए, हमारे परिवार में मेल मिलाप, शांति के लिए, क्षमा के लिए, करुणा के लिए, आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए वह सदा सर्वदा हमारे लिए प्रार्थना करती है। मां मरियम से कभी भी हमारा दुख देखा नहीं जाता। हम जब उदास होते हैं मां मरियम हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करती है। जब हम पाप में गिर जाते हैं मां मरियम हमारे लिए प्रार्थना करती है ताकि हम पाप से बच जाएं। वह निरंतर प्रभु के सामने विनती करती है, हमारे लिए क्षमा मांगती रहती है। उस मां के लिए हम एक बार ईश्वर को धन्यवाद दें, उस मां के लिए, उस मां के प्रेम के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु प्रेम है। प्रभु ने उस मां के द्वारा हमें प्रेम किया है, उस मां को हमें सौंपा है। जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन सब की प्रार्थनाओं को हम मां की मध्यस्थता द्वारा प्रभु को समर्पित करते हैं। शांति का राजा चैनल की संपूर्ण टीम मेंबर्स को हम मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु को समर्पित करते हैं। आगामी समय में जितने भी कार्य, जितने भी प्रार्थनाएं शुरू होने वाली है, YouTube चैनल को, Facebook को, Instagram को, हर एक चीज को हम मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु को समर्पित करते हैं। हे मां मरियम, आप इस चैनल के लिए, इस चैनल से जुड़े हुए हर एक परिवारों के लिए आप निरंतर प्रार्थना करें ताकि हम सब प्रभु में पवित्रता और प्रेम के साथ आगे बढ़ते जाएं, ताकि प्रभु की जो भी इच्छा है वह हमारे जीवन में पूरी हो। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु भलाई से बचा, आमीन। पवित्र मरियम ईश्वर
शीश माता तू विनती कर हम पापिन खाते अब और मृत्यु के समय। प्रणाम हे माँ मरियम नारियों में धन्य है तू धन्य तेरे गर्भ का फल पवित्र मरियम ईश माता तू विनती कर हम पापिन खाते अब और मृत्यु के समय। प्रणाम प्रणाम हे मां मरियम नारियों में धन्य है तू धन्य तेरे गर्भ का फल पवित्र मरियम ईश माता तू विनती कर हम पापिन खातिर अब और मृत्यु के समय। प्रणाम प्रणाम हे मां मरियम नारियों में धन्य है तू धन्य तेरे गर्भ का फल पवित्र मरियम ईश माता तू विनती कर हम पापिन खाते अब और मृत्यु के समय। प्रणाम प्रणाम हे मां मरियम नारियों में धन्य है तू धन्य तेरे गर्भ का फल पवित्र मरियम ईश माता तू विनती कर हम पापिन खातिर अब और मृत्यु के समय। प्रणाम प्रणाम हे मां मरियम नारियों में धन्य है तू धन्य तेरे गर्भ का फल पवित्र मरियम ईश माता तू विनती कर हम पापिन खातिर अब और मृत्यु के समय। प्रणाम प्रणाम हे मां मरियम नारियों में धन्य है तू धन्य तेरे गर्भ का फल पवित्र मरियम ईश माता तू विनती कर हम पापिन खातिर अब और मृत्यु के समय। प्रणाम प्रणाम हे मां मरियम नारियों में धन्य है तू धन्य तेरे गर्भ का फल पवित्र मरियम ईश माता तू विनती कर हम पापिन खाते अब और मृत्यु के समय। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो जैसे वह आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु हमारे पापों को क्षमा कीजिए नरक की अग्नि से हमें बचाइए सभी आत्माओं को स्वर्ग में ले चलिए विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की अति आवश्यकता है आमीन। हे रानी प्रणाम हे रानी प्रणाम दया की माँ हमारा जीवन हमारी मधुरता और आशा आपको प्रणाम। हम हेवा की निर्वासित संतान आपको पुकारते हैं हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए आपका नाम लेते हैं। हे हमारी माता कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु हे प्रेम में हे मधुर कुमारी मरियम हे ईश्वर की पवित्र माँ हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें हे परमेश्वर जिसके इकलौते पुत्र ने अपने जीवन मृत्यु एवं पुनरुत्थान से हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्त किया है हम आपसे विनती करते हैं कि पवित्र कुंवारी मरियम की अति पवित्र माला के इन भेदों पर ध्यान करते हुए जो कुछ वे सिखाते हैं
हम उनका अनुसरण करें और जिनकी वे प्रतिज्ञा करते हैं उनको प्राप्त करें, उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर क्रिस्त दया कर प्रभु दया कर क्रिस्त हमारी प्रार्थना पूरी कर स्वर्ग के पिता परमेश्वर हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर संसार के मुक्तिदाता हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ईश्वर हम पर दया कर, संत मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वर की पवित्र माता हमारे लिए प्रार्थना कर, कुंवारियों में पवित्र कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कर, क्रिस्त की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, कलीसिया की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, दया की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वर कृपा की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, आशा की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, अति निर्मल माता हमारे लिए प्रार्थना कर, अति शुद्ध माता हमारे लिए प्रार्थना कर, अक्षता माता हमारे लिए प्रार्थना कर, निष्कलंक माता हमारे लिए प्रार्थना कर, अति प्रिय माता हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रशंसनीय माता हमारे लिए प्रार्थना कर, सुसम्मति की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, सृष्टिकर्ता की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, मुक्तिदाता की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, अति चौकस कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कर, आदरणीय कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कर, स्तुति योग्य कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कर, शक्तिमती कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कर, अति दयालु कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्मनिष्ठ कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कर, धार्मिकता का आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कर, न्याय का दर्पण हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रज्ञा का सिंहासन हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे आनंद के मूल स्रोत हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा का मंदिर हमारे लिए प्रार्थना कर, आदरणीय पात्र हमारे लिए प्रार्थना कर, भक्ति की उत्तम पात्र हमारे लिए प्रार्थना कर, आध्यात्मिक गुलाब हमारे लिए प्रार्थना कर, दाऊद के गढ़ हमारे लिए प्रार्थना कर, हाथी दांत के गढ़ हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ण मंदिर हमारे लिए प्रार्थना कर, संधि की मंजुषा हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ग के द्वार हमारे लिए प्रार्थना कर, भोर का तारा हमारे लिए प्रार्थना कर, रोगियों का स्वास्थ्य हमारे लिए प्रार्थना कर, पापियों की शरण हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रवासियों की शरण हमारे लिए प्रार्थना कर, दुखियों का दिलासा हमारे लिए प्रार्थना कर, क्रिस्तियों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्गदूतों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्मपुरखों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर, नबियों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रेरितों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर, शहीदों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्मवीरों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर, कुंवारियों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर, सब संतों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर, आदि पाप रहित गर्भ में पड़ी महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ग में उद्ग्रहित महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर, अति पवित्र माला की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर, परिवारों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर, शांति की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप भर लेता है, हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप भर लेता है, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर कृपया करके अपने इन सेवकों को वह शक्ति प्रदान कीजिए कि हम सदैव तन मन से स्वस्थ रहे और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आप सभी को पुनः शांति का राजा चैनल की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल हम मां मरियम के साथ मिलकर मनाएं, मां की मध्यस्थता के साथ हम प्रार्थना करें और इस नए साल को हम मां की मध्यस्थता द्वारा प्रभु को समर्पित करें। आज के दिन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें ताकि ईश्वर की महिमा हो सके। आज का समय ईश्वर ने हमें दिया ताकि हम ईश्वर की स्तुति महिमा कर सके। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज की इस रोजरी माला विनती को जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पवित्र रोजरी माला विनती में भाग ले रहे हैं, उन सबको हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। उन सबों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने आज हम सबको इस योग्य समझा है ताकि हम सब मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन कर सके, प्रभु से प्रार्थना कर सके।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कृपया करके आप इस वीडियो को अपने परिवार के साथ में, अपने जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उन सब में आप शेयर करें। शांति का राजा चैनल के लिए भी आप निरंतर प्रार्थना करें, इसकी संपूर्ण टीम के लिए आप प्रार्थना करें, ताकि प्रभु की देखरेख में ये चैनल आगे बढ़ता जाए। प्रभु की जो योजना है वो इस चैनल में पूरी हो, हमारी नहीं प्रभु की इच्छा पूरी हो। निरंतर आप इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल के लिए आप प्रार्थना करें। आमीन।